हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ऑफ सोनोग्राफी चैनल। गाइस, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 162 करी थी एंड आप लोगों को पता है हमारा चैप्टर 34 चल रहा है एडवांस फ्लेसोग्राफी का। गाइस, बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, तभी इसमें एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा है। आज हम एक्सरसाइज 163 करेंगे, जिसके अंदर में शॉर्ट एंड का पैराग्राफ दे रखा है। गाइस, नेक्स्ट पेज तक है, ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आपको जैसे पता है इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और पॉइंट वाइज में डिवाइड करके करना है। चलिए साथ साथ इसके आंसर भी देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, एनीवन सेज ही डज नॉट नीड द सिंपैथी ऑफ हिज फेलोज, ही इज नॉट ट्रू टू हिमसेल्फ और टू ह्यूमैनिटी, फॉर द होल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी रेस्ट अपॉन सिंपैथी अमंग इंडिविजुअल्स टूवर्ड्स वन अनदर। सो इसकी शॉर्ट लाइन देखिएगा, मीन्स आउटलाइन। If anyone says he doesn't need the sympathy of his fellows, he is not true to himself or humanity, for the whole structure of society rests upon sympathy among individual towards one another. So guys, दोबारा इसलिए पढ़ते ताकि आपको शॉर्ट इसकी इंग्लिश की आउटलाइन भी शॉर्ट एंड की क्लियर हो सके। तो ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, If it were not so, then society as it exists today would be impossible. If we were not so, then society as it exists today would be impossible. ठीक है गाइस, ये सेकेंड पॉइंट कंप्लीट है। थर्ड पॉइंट देखो, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ अस इम्पेरेटिवली रिक्वायर सिंपैथी फॉर सम टाइम और अदर आवर नेचर्स आर सर्टेन टू कॉल फॉर इट एंड इफ इज रिफ्यूज दैट विच इज बेस्ट इन अस बिकम रैप्ड वॉब्ड। द आउटलाइन देखिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ अस इम्पेरेटिवली रिक्वायर सिंपैथी फॉर सम टाइम और अदर आवर नेचर्स आर सर्टेन टू कॉल फॉर इट एंड इफ इज रिफ्यूज दैट विच इज बेस्ट इन अस बिकम्स रैप्ड वॉब्ड। तो गाइस, यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट अच्छे से देख लीजिए थर्ड पॉइंट तक, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए, हिस्ट्री एंड लिटरेचर फर्निश अस विद मैनी एग्जाम्पल ऑफ दिस। आउटलाइन देखिए, हिस्ट्री एंड लिटरेचर फर्निश अस विद मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। गाइस, तो फोर्थ पॉइंट कंप्लीट एंड लास्ट पॉइंट देखिए, एन अनसिम्पैथेटिक नेचर इज लाइक द बीटिंग आर्कटिक विंड्स बट अ सिम्पैथेटिक डिस्पोजिशन इज लाइक द ब्लेमी ब्रिजेस ऑफ द साउथ एंड द मोर एक्सपेंसिव आवर सिम्पैथाइज द मोर नियरली डू वीब्ड do we approach towards that ideal of a deserved and pure success. तो इसकी शॉर्ट एंड देखिएगा, an unsympathetic nature is like the beating arctic winds but a sympathetic disposition is like the blaming bridges of the south and the more expensive our sympathize the more nearly do we approach towards the ideal of a deserved and pure success. तो गाइज, यहाँ पर हमारा फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। फोर्थ और फिफ्थ आप अच्छे से देख लीजिए। सो गाइज, इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 163 वो फिनिश होती है। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे 164। तो गाइज, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बाय गाइज, थैंक यू।